अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। वेजिटेबल चिकन रोल बनाना बहुत ही आसान है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है और इसमें जो है 1/2 kg चिकन का कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने के बाद जो है हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और रमज़ान स्पेशल है, तो आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और ट्राई ज़रूर करें। कीमे को जो है हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। देखें इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद जो है इसको हमने कुक करना है 5 मिनट, ताकि जो है इसका पानी ड्राई हो जाए चिकन का। देखिए इसमें पानी जो है नज़र आ रहा है आपको, इसको हमने ड्राई करना है। तो इसको हमने 5 मिनट कुक करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आसानी से आपको मेरी वीडियो मिल जाए। ये देखें चिकन जो है अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसमें हमने काली मिर्च ऐड करनी है। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम 5 मिनट कुक करेंगे, ताकि जो है नमक और काली मिर्च जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए चिकन में। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। हमारे पास 1 कप जो है गाजर है, अच्छी तरह हमने इसको बारीक चॉप कर लिया था गाजर को, इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे, 1 कप हरी प्याज है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है अब देखें इस तरह आलू ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है 5 मिनट कुक करना है, ताकि जो है वेजिटेबल क्रिस्पी रहें। और वेजिटेबल को हम ज़्यादा कुक करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसमें हम 2 टीस्पून जो है सोया सॉस ऐड करेंगे। इस तरह जो है आप 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर दें। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें हम 2 टीस्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे, चिली हॉट सॉस। इस तरह जो है 2 टीस्पून हमने ऐड करना है चिली हॉट सॉस, और इसको हमने जो है 3 से 4 मिनट कुक करना है। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा कुक करेंगे तो वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको जो है हमने 3 मिनट कुक करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और बैटर जो है रेडी हो चुका है, इसको आप ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसकी आप फिलिंग करेंगे रोल की। इस तरह जो है रोल की फिलिंग करनी है, और इस तरह आप रोल की फिलिंग करके रोल आप बना लें और फ्रीज करें। जब भी आपको फ्राई करने हो आप 10 मिनट पहले निकालें, और उसके बाद डीप फ्राई करें, और इसको आप इमली की चटनी के साथ और हरी चटनी के साथ आप सर्व करें। सारे रोल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबको फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।